स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। हमारे इस चैनल पे जो पासपोर्ट रिलेटेड वीडियोज हैं, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे जिसमें वो पूछ रहे थे कि सर क्या हम पासपोर्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट में बनवा सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप बता दीजिए। तो इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी स्टेट में पासपोर्ट बनवा सकते हैं, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट या उस स्टेट या उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे वो लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास प्रूफ है तो वो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए एप्लीकेबल है। तो इनमें से कोई सा भी एक प्रूफ आप प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा अगर राजस्थान का मूल निवासी है, परमानेंट एड्रेस राजस्थान का है, और अभी वो दिल्ली में रहता है, जो प्रेजेंट एड्रेस है वो दिल्ली का है, और वो अगर दिल्ली से पासपोर्ट इशू कराना चाहता है, दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करना चाहता है पासपोर्ट के लिए, तो वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके पास इनमें से कोई सा एक प्रूफ प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकता है दिल्ली से पासपोर्ट इशू कराने के लिए। ये बात सिर्फ दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस की ही नहीं है, ऑल इंडिया कहीं से भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो भी पासपोर्ट ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो जिस रीजन में भी आप अप्लाई कर रहे हो पासपोर्ट के लिए, तो उस रीजन के अकॉर्डिंग आपके पास प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो पासपोर्ट रिलेटेड कि पासपोर्ट किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से पासपोर्ट बनेगा, तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उस पर क्लिक करके सीधा आप देख सकते हो। तो ये 27 मिनट की वीडियो है, 27 मिनट और 57 सेकंड की वीडियो, लगभग 28 मिनट की वीडियो है। इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने बताई हुई है कि किस तरीके से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स किन किन की रिक्वायरमेंट है, फीस पेमेंट कितनी होगी, पासपोर्ट ऑफिस का क्या प्रोसेस होगा, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगी, पूरी जानकारी बताई हुई है, इसको आप देख सकते हो। और सोशल साइट पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे आप, यहाँ पे लिंक दी हुई सोशल साइट के, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो। पासपोर्ट रिलेटेड 80 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे इस प्लेलिस्ट पे पासपोर्ट वाली पे, तो जितनी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे पासपोर्ट रिलेटेड वो उन सभी की लिस्ट आपको दिख जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें चाहे फ्रेश पासपोर्ट हो, रीइशू, तत्काल, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, बच्चे का पासपोर्ट हो, और अलग अलग पासपोर्ट स्टेटस के बारे में बताया हुआ है, नाम चेंज, स्पॉस नेम एड, वो सब बताया हुआ है, इन वीडियोज को आप देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो। बाकी ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।